गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह 6:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है, करीब सनराइज का टाइम है और आज है मेरा पुष्कर में तीसरा और आखिरी दिन। तो शाम को मेरी ट्रेन है और मेरा सामान पूरा पैक है। मैं अभी निकलूँगा यहाँ से, चेकआउट करके मैं सारा जो सामान है रिसेप्शन पर ही रख दूँगा और फिर मैं जाऊँगा कुछ पेंटिंग करूँगा दोपहर तक और उसके बाद सामान ले जाऊँगा फिर यहाँ से अजमेर और अजमेर से फिर मेरी ट्रेन है। और कल और परसों के व्लॉग अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। कल का व्लॉग भी अभी अपलोड हो चुका है जस्ट, तो जाइए देखिए कि मैंने पुष्कर में क्या किया और आप पुष्कर में क्या कर सकते। पुष्कर की सुबह, परसों तो मैं पहुंचा ही था 8-9 बजे और कल मैं थोड़ा लेट उठा था, शायद मैं 7-7 बजे उठा था, लेकिन मैंने रूम से ही पेंटिंग की थी तो बाहर नहीं निकल पाया था। अभी बाहर निकला हूँ, सुबह के 7:10-15 हो चुके हैं और अभी थोड़ा सा घूमेंगे और पेंटिंग के लिए मैंने ले लिया है, एक छोटा सा बैग भी ले लिया है, स्केचिंग ज़्यादा करने की मेरी आज की प्लानिंग है। सो अभी एक ख्याल आया है मन में कि मैं गुरुद्वारा साहिब भी नहीं गया, तो आखिरी दिन है तो शुरुआत गुरुद्वारा से ही करते हैं, तो चलते हैं अभी गुरुद्वारा साहिब। तो इधर है गुरुद्वारा साहिब के लिए, इधर से जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले चाय 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 चाय। कल यहीं पर दही बड़ा खाया था, आज पियेंगे चाय मसालेदार। तो कालू जी तो सुबह सुबह आते नहीं है, जिनकी चाय मैं यहाँ पर पीता हूँ बड़ी ज़बरदस्त चाय है, तो अभी सुबह के टाइम ये अदरक वाली चाय बनाएंगे, इसी से काम चलाते हैं। मैं ब्रह्मा घाट पर हूँ फिर से और सोचा चलो गुरुद्वारा जाने से पहले यहाँ से, काफ़ी अच्छा दिख रहा था बाहर से जाते हुए ना नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। ये है सुबह पुष्कर घाट की, वाह, और अभी वहां से सूरज निकलेगा। बहुत ही खूबसूरत, ये नज़ारा कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए किस मोमेंट पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ब्रह्मा घाट पर सनराइज, क्या अमेजिंग है, वाव। सुपर्ब। देखा आपने नज़ारा, और ये जितना वीडियो में दिख रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर मैं आज अपनी नींद सेक्रीफाइस ना करता तो ये जो सनराइज़ का आनंद है, जो ये रेज पड़ रही हैं सुबह की किरणें, ये मैं मिस कर देता। बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है और जो यहाँ पर माहौल है अमेजिंग। तो आप पुष्कर आओ तो ये बिल्कुल मिस मत करना सनराइज़, और भी ब्रह्मा घाट से। क्रिकेट चल रहा है इधर, पूछता हूँ इनसे, एक आधी गेंद मुझे खिला देंगे तो, मुश्किल लग रहा है वैसे,
बेइज्जती करेंगे। पूछ लेता हूँ, कैमरे पे करवा लेता हूँ। भाई एक बॉल खेल लूँ है, बस मैं एक बॉल खेल के चला जाऊंगा, ठीक है? तो मैं वहाँ बैठकर पेंटिंग कर रहा था अभी ब्रह्मा घाट पर। अभी मैं घूम के आ गया हूँ दूसरी तरफ। अभी मैं घाट के साथ साथ चल रहा हूँ और शूज़ अलाउड नहीं है घाट पर, तो हाथ में ले जा सकते हैं, हाथ में उठाए हैं मैंने। और ये सामने गुरुद्वारा साहिब आ गया, तो इधर चलेंगे अभी। ये देखिए मैं दूसरे एंड पर आ गया हूँ, उधर से सामने से इस एंड पर आ गया हूँ। यहाँ तो हल्का सा रास्ता है थोड़ा, तो संभल कर जाना पड़ेगा, वीडियो बंद करता। ये भी काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे, और दूसरी साइड से लाइट भी पड़ रही है, तो जयपुर घाट है ये। मैं सरोवर के इस तरफ आ गया हूँ और इसके ऊपर लाइट तो अच्छी पड़ रही है, लेकिन ये बाउंड्री है नीचे की तरफ, थोड़ा सा कट रहा है कंपोजिशन। अच्छा, तो हम गुरुद्वारे के पास पहुंच गए हैं, जस्ट बाहर की तरफ है, और मेरे साथ आयुष जी। हेलो आयुष जी। हाय। तो इन्होंने बताया यहाँ एक ढाबा है बढ़िया सा, तो मैं जब से आया हूँ ना मैंने खाना नहीं खाया, मैं उल्टी सीधी चीज़ें ही खा रहा हूँ, प्रॉपर खाना खाया ही नहीं तीन दिन से। तो आज अभी ब्रेकफास्ट कुछ अच्छा सा कर लेंगे, पहले चलते हैं गुरुद्वारा साहिब। ये हम मार्केट की तरफ आ गए हैं, आउटर मार्केट है ये, तो इधर की तरफ मैं आया नहीं था। और ये आ गया गुरुद्वारा साहिब का मेन एंट्रेंस। इधर ही भी काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो चलिए अंदर तो वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। साहिब से मैं निकल आया हूँ और अभी मैं गुरुद्वारा साहिब की वॉल के साथ ही बैठा हूँ, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये भगवान श्री रणछोड़ राय द्वारकाधीश मंदिर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, अच्छी लाइट और शेडो आ रही है, तो इसी को हल्का सा छोटा सा स्केच कर लेते हैं जल्दी से। 12:30 होने को है और ये दूसरा स्केच मैंने कर लिया है। काफ़ी सिंप्लीफाई किया मैंने इसको, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, और जो मेरी स्केचबुक है वो भी छोटी थी, तो इसलिए मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई किया और दूसरा हो गया। अभी उधर भी एक बिल्डिंग दिख रही है अच्छी सी, देखता हूँ अगर उधर कुछ बनता है तो उधर चलता हूँ अभी उठकर। 2 बजने वाले हैं और पुष्कर में मेरा इतना ही वक्त था, तो ये लास्ट स्केच मैंने भी किया है। ये सामने जो बिल्डिंग है बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो ये मैंने फ्रंट से किया। और ये आज के मेरे 3 छोटे छोटे स्केच। अभी जाऊंगा होटल, वहां से उठाना है सामान अपना, और जाऊंगा पुष्कर बस स्टैंड और वहां से अजमेर। चलिए तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ होटल की तरफ, और ये है न्यू रंगजी टेम्पल। है ये भी पुराना लेकिन उससे नया है, और देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। अगर मैं पहले आता तो इधर भी मैं शायद एक पेंटिंग करता। अभी बिल्कुल टाइम ही नहीं है, बस मुझे होटल जाना है, बहुत ज़बरदस्त। तो अजय भाई हमारे होटल के ये जा रहे हैं मुझे बस स्टैंड छोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत दूर है बस स्टैंड। अगर मैं ये सामान लेकर जाता मुझे पता नहीं क्या होता। वो है ना ऊपर टेंपल माता सावित्री जी का, वो ऊपर माता सावित्री जी का टेंपल है चोटी पर। तो ये देखिए कि वहाँ से पूरा पुष्कर दिखता है, बिल्कुल एक खड़ी चोटी है, खड़ी चोटी के ऊपर टेम्पल है एकदम। तो जी पुष्कर को अलविदा हमारा,
और ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड शायद पुराना बस स्टैंड है, काफी बुरी हालत है बस स्टैंड की तो, बट पुष्कर बहुत अच्छा है। और इतना ही वक्त था पुष्कर में, अभी चलेंगे कानपुर 1 तारीख को, एक्चुअली 30 तारीख को चंडीगढ़, तो फिर से आपको मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।